ये जन्नत है ब्रो, इधर आना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग फिर से। तो अभी हम हैं लाल चौक में और ये रहा घंटाघर, क्लॉक टावर। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग गुलमर्ग के लिए, वो भी शेयरिंग कैब में। 100 से 150 रुपये में हम लोग गुलमर्ग पहुँचेंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे मंडी के लिए। अभी हम लोग मंडी से थोड़ा सा आगे में परमपुरा करके जगह है, यहाँ पे हम लोग को 20 रुपये लगा है यहाँ तक आने में। गाड़ी वाले भैया बोल रहे हैं 100 रुपये लगेंगे टर्नमर्क जाने के। तो अभी हम लोग हैं परमपुरा में, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टर्नमर्क, वहाँ से फिर गुलमर्ग जाएंगे। यहाँ से रेट लग रहा है 100 रुपीज़। तो एक भैया मिले हैं जो कि वहाँ पे खुद गाड़ी चलाते हैं, भैया आपको डिटेल देंगे वहाँ का रेट का। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लाइक कर देंगे। ये देखिए यहाँ का नजारा। अभी हम लोग टर्नमर्ग पहुँच चुके हैं, ये भैया भी साथ में, ये भी गुलमर्ग जा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग को लगेगा 50 रुपीज गुलमर्ग के लिए, चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए। बज रहे 9:15 और हम लोग को वहाँ से आने में लगा 1 घंटा। श्रीनगर से टर्नमर्ग 1 घंटा लगा हम लोग को आने में। Never estimate the power of Maruti Suzuki of Alto। पीछे जा रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड। यहाँ से यहाँ पे लगा हम लोग को 50 रुपीज। ये रहा पीछे, खाने के लिए होटल भी है। यहाँ से अभी हम लोग लेंगे जैकेट और बूट। नीचे हम लोग नहीं लिए थे क्योंकि काफ़ी महंगा था, ऐसा भैया ने बोला। भैया बूट कहाँ से लेना है? बूट और जैकेट, बूट मिलेगा यहाँ पर। देखो यहाँ बर्फ गिरा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं शूज लेने, शूज जैकेट। फिर बात बना यहाँ बर्फ चारों तरफ। घोड़े का रेट है यहाँ बहुत, कम से कम 3-4 हज़ार रुपया। फर्स्ट फेज के लिए? फर्स्ट फेज नहीं जाता है घोड़ा, तो आपको पूरा जाएगा साइड सीन के लिए। बिस्तर जाता है बारह में, इसलिए पूरे चलता है, पूरा इंजॉय हो रहा है। कितना देर के लिए होता है? टाइम आप चाहते हैं। अच्छा, तो भैया को बोलते हैं यहाँ से बाय बाय। तो चलो भाई, थैंक यू। तो अभी बज रहा है 9:50 और हम लोग 9:15 में वहाँ से निकले थे। हम लोग को वहाँ से यहाँ आने में लगा कम से कम 1.5 घंटा टोटल, लाल चौक से लेकर गुलमर्ग तक का। तो ये है टैक्सी स्टैंड और ये रहा यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये देखो,
और ये रहा गुलमर्ग। गंडोला रोपवे जाने का रास्ता यही है। तो ये रहा अलग गुलमर्ग, पीछे बर्फ ही बर्फ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, ये देखो। और यहाँ पे आकर हमने जैकेट और शूज रेंट किया है। तो जैकेट और शूज का हमको यहाँ पे पड़ा 350, ये अगर हम टनबर्ग में लेते तो 500 पड़ता, ये तो सस्ता मिला। और रहा बात यहाँ पहुँचने का, तो टोटल हमको 170 रुपये लगा है। और हाँ, लाल चौक से मंडी आने में लगा 20 रुपये, मंडी से टनबर्ग आने में लगा है 100 रुपये, और टनबर्ग से गुलमर्ग आने में लगा 50 रुपये। टोटल 170 रुपीज़ में हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं लाल चौक से। यहाँ से गंडोला वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो देखो नीचे में काफ़ी बर्फ दिख रहा है, ये देखिए। और अभी हम लोग को वहाँ जाना है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, हम फिर से पहुँच चुके हैं गुलमर्ग, देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फेज वन बाइक, और हमारे साथ एक भाई है जिनका नाम साकिब है। अगर आपने मेरा फर्स्ट डिटेल वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मेरा वीडियो दिख रहा होगा, तो एक बार जाके देख लेना। अभी हम लोग जाके ऊपर कुछ कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो चलते हैं ऊपर। ये देख लो कितने लोग हैं, हमारा घोड़ा वहाँ पे लगा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। ये कौन सा ट्री है भैया, मज़ा आ रहा है? ये है पाइन ट्री। और अभी यहाँ से कितना दूर देर लगेगा गंडोला जाने के लिए? आधा घंटा लगेगा ऊपर फर्स्ट फेज पहुँचने में। और फेज टू ओपन है? सारा टिकट यहाँ पे ऑनलाइन मिलता है, तो अगर आपको जो भी जाना हो तो गोंडोला के ऑनलाइन साइट पर आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। और ये है हमारे साथ घोड़े वाले भैया। भैया आपका नाम क्या हुआ? साकिब अहमद। और क्या रेट ले रहे हैं और कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं? हम यहाँ पूरा घुमा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में लेके जा रहे हैं। अगर नीचे में भी किसी को घूमना होगा, साइड सीन दो चार पॉइंट है, 5-6 पॉइंट रहता है, वहाँ पे भी हम घुमाते हैं। मैरिज पैलेस, चर्च है, फिशिंग लेक है, गोल्फ क्लब है, मंदिर है, और क्या बोलते हैं चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पे, स्ट्रॉबर वैली है, पूरा हम घूमते हैं। सर का रेट क्या है? उसका नीचे का रेट जो है वो 4,500 रुपीज़ रहता है पर पर्सन, लेकिन उतना हम लेते नहीं है, हम 3,000 लेते हैं। और मेरे को गंडोला फेज वन के लिए क्या ले रहे हैं? रेट हमारा 3,500 था, तो लेकिन हमने भाई साहब से 1,000 लिया, हमने बहुत डिस्काउंट कर दिया। ये हमारा भाई है, आज आया कल फिर आएगा, फिर जब हम इनके साथ आज रिजनेबल किया कल फिर ये हमारे पास आएगा। और भी तो भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो आप देख लेना। काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, प्लस है ये, और ये स्केटिंग हो रहा है, स्की। थैंक यू। यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी हो रहा है, इसका चार्ज 800 से 1800 तक के बीच में है। यहाँ का फुल व्यू, ये गंडोला राइड। तो अभी हम आ गए नीचे, काफ़ी ऊपर था, पैदल जाना तो इम्पॉसिबल है, या तो रोपवे के थ्रू जाइए, और अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो घोड़े के थ्रू जाइए। काफ़ी कीचड़ था ऊपर, नॉर्मल आदमी तो चल नहीं सकता है, और स्टेमिना अगर है तो जा सकते हैं, या फिर ट्रैकिंग आता है ट्रैक कर सकते हैं इतना दूर तो जा सकते हैं, वरना घोड़ा ले ले। देखिए यहाँ हालत भैया का, मेरा सूज बहुत कीचड़ है, बारिश हुआ था तो हो रहा है मेरा घोड़ा, चलते हैं। तो अभी हम लोग जैकेट और शूज को हम लोग कर दिए रिटर्न, और हम अपना रोटी पहन लिया है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टनबर्ग, टनबर्ग से जाएंगे डल लेक, और अभी हम टैक्सी स्टैंड में। तो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म, ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, ब्लॉग अभी बहुत सारा आने वाला है, और जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, कश्मीर का श्रीनगर का बहुत सारा ब्लॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो करते ख़त्म, बाय बाय। ये जन्नत है ब्रो, इधर आना चाहिए। ये सारे लोग ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, इट्स बोर्ड इंजीनियर। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, एवरीथिंग, थैंक यू।